हम बात करने वाले कि कैसे स्प्रिंग बूट के साथ हम PostgreSQL को यूज करके डाटाबेस को में सेव करा सकते हैं डाटा को, इसको विद प्रैक्टिकली क्रैक रिलेटेड ऑपरेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक हम प्रोजेक्ट को सिंपली क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से फाइल पे कनेक्ट क्लिक करेंगे, देन न्यू पे आएंगे, देन यहाँ से स्प्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट पे सिंपली हिट कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम एक फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम सिंपली इसका नेम देंगे 01 स्प्रिंग। यहां पर हम एस बी कर देते जो कि हमारा स्प्रिंग बूट हो जाएगा। ओके, तो एस बी विद पोस्ट ग्रेस ये हमारा होगा। और यहां से हम जो टाइप है वहां पर हम सिंपली मेबेन को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, जा रहे हैं जावा, यहां पर हम 17 यूज करेंगे। और जो यहां से हम ग्रुप नेम दे देंगे वो सिंपली हमारा रहेगा कॉम डॉट सियाम दे देंगे सिंपली। ओके, और पैकेज नेम भी हम एडिटिव सेम रख देंगे, तो यहाँ से पर्टिकुलर को पैकेज भी यही दे देते हैं। ओके, देन यहाँ से हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से आप स्प्रिंग बूट का वर्जन देख रहे 3.2.3 है। ओके, इस पे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक वेब डिपेंडेंसी लेंगे, तो यहाँ पर हम वेब को टाइप कर देंगे और स्प्रिंग वेब को ले लेंगे। वेब को लेने के बाद सिंपली लोमबॉक ले लेंगे, लोमबॉक डिपेंडेंसी ले लिए। ओके, देन यहाँ से हम एक डेव टूल को भी ले लेते हैं सिंपली। ओके, डेव टूल हमारा हो गया, स्प्रिंग बूट डेव टूल हो गया। ओके, देन यहाँ से हम ये हो गया। देन इसके बाद जो हम तीसरा डिपेंडेंसी लेने वाले हैं वो जेपी को परफॉर्म कराएंगे, तो यहाँ पर जेपी लेंगे। डाटाबेस को सेव कराना है और जितने भी रिक्वायर्ड मेथड होती है अपने को ये प्रोवाइड कर देना। और हम यहाँ से यूज करने वाले हैं पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डीबी को, यहाँ से हम पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ड्राइवर ले लेंगे, पोस्ट ग्रेज एसक्यूएल ड्राइवर। इसको लेकर इतने डिपेंडेंसीज को अपने को टोटल 5 डिपेंडेंसीज है। और सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके, और इस समय जो हमारा सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हमने ऐड किया उसकी जार को ये लोड करेगा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं इम्पोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट 26% अभी यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। और इस समय आपका जब सिस्टम इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी इन सारी चीज़ों को ये लोड कर पाएगा। ओके, अब यहाँ से 80% कंप्लीट हो गया और यहाँ से इसको हम एक्सपेंड करते हैं। और इसके जितने भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज फाइल के होते हैं वो सारे को हम डिफाइन करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। ओके, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है ये डिफाइन कर देंगे। देन इसके बाद जो हमारा PostgreSQL कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उन सारे को हम डिफाइन करेंगे। ओके, इन सारी चीजों को तो यहां से इसको रिमूव करते हैं और सिंपली यहां से हम इसके कुछ डिपेंडेंसी रिक्वायर है वो सारे को यहां से हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इसको यहां से लाइन मिनिमाइज करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा एप्लीकेशन को स्टार्ट करे तो उसका जो पोर्ट नंबर हो 9091 पर हो। और यहां पर देखिए स्प्रिंग डॉट डाटाबेस डॉट URL जो है JDBC कॉलन पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट और जो बाई डिफॉल्ट जो PostgreSQL चलती है वो 5432 पर चलती है। और यहाँ से हम एक स्कीमा का नेम दे देंगे, डाटाबेस का नेम दे देंगे, तो इसका हम सिंपली नेम देते हैं बूट और इसको अभी हम क्रिएट भी करेंगे। और यहाँ जो हमारा यूजर नेम है PostgreSQL और पासवर्ड हमारा रूट है और हम चाहते हैं कि जेपी रिलेटेड ही हमारा है। यहाँ पर जो भी इसका क्वेरी लिखे वो अपने को कंसोल पर यहाँ पर हम ट्रू कर रखें। ओके, उसको थोड़ा यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ दिखाता हूँ पूरा उसका होल डायलेक्ट क्या है। ओके, स्प्रिंग डॉट जेपी प्रॉपर्टीज हाइबरनेट डायलेक्ट ORG हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट और यहां पर अपने को पास कर देना है ये पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल डायलेक्ट पास करना, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल डायलेक्ट ये अपने को यहां से पास करना है। और हम DDL ऑटो अपडेट रखना चाहते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर जो स्प्रिंग बूट के अंदर जो हम टेबल डिफाइन करने वाले वो नहीं है तो उसको वहां पर अगर क्रिएट करें, अगर है तो ऑलरेडी उनको यूज करें। ओके, इतना इसका होल का प्रॉपर्टीज फाइल का रिलेटेड था। अब यहाँ SRC मेन जावा पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने को एक बाय डिफॉल्ट मेन क्लास क्रिएटेड मिलता है। ओके, ये हमारा मेन क्लास हो गया। अब यहाँ पर अपने एंटिटी को डिफाइन करेंगे, देन रिपोजिटरी को, सर्विस को, देन कंट्रोलर को और उसी कंट्रोल में सारे ऑपरेशन को हम डिफाइन करेंगे। ओके, नॉर्मली तो यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एंटिटी को क्रिएट करेंगे, तो न्यू पे आएंगे और यहाँ से एक क्लास को जनरेट करेंगे और सिंपली इस क्लास को हम नेम यहाँ पर दे देंगे एम्प्लॉय। ओके, और इसको पर्टिकुलर हम जो है एंटिटी पैकेज के अंदर रखेंगे, एम्प्लॉय हो गया हमारा। और सिंपली यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके,
और इस पर्टिकुलर को एंटिटी मार्क करने के लिए सिंपली यहां पर हम यूज करेंगे एंटिटी एनोटेशन को, बेसिकली एंटिटी। और ये जो आएगा जकार्ता परसिस्टेंस आएगा, क्योंकि यहां पर स्प्रिंग बूट 3 को हम यूज कर रहे हैं। ओके, और इसके अंदर कुछ वेरिएबल को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं प्राइवेट बेटा एप लॉन्ग आईडी लेते हैं, देन यहां पर लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहां पर नेम ले लेते हैं, देन यहां पर लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग सैलरी। ये तीन प्रॉपर्टीज को हमने बेसिकली डिफाइन कर दिया। और इसका जो आईडी है इसको हम चाहते हैं ऑटो जनरेटेड रखने के लिए, तो सबसे इसको जब प्राइमरी मार्क करने के लिए यहां पर हम आईडी नोटेशन को यूज करते हैं। देन क्या देते हैं, जो भी इसका वैल्यू जनरेटेड हो वो ऑटो जनरेट हो, हमें मैनुअली ना देना पड़े। यहां पर लिखते हैं जनरेटेड वैल्यू, देन यहां से लिखते हैं स्ट्रेटजी अपने को पास करना पड़ेगा, तो स्ट्रेटजी ले लेंगे एंड जनरेशन टाइप दे देंगे, डॉट आइडेंटिटी कर देंगे आइडेंटिटी, डेट सिट इतना काम करना अपने को है। ओके, देन हम यहां से क्या यूज करेंगे, टेबल टू बाय डिफॉल्ट ये एम्प्लॉय नेम हम टेबल खाने, तो यहाँ टेबल नोटेशन यूज करेंगे। देन यहां से हम गेटर सेटर को हम एनोटेशन को यूज कर लेते हैं, गेटर एंड सेटर। ओके, इतना हो गया। अब इसी करेस्पॉन्डिंग अपने को एक रिपोजिटरी करना है क्रिएट, यहाँ पर इस वाले पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि रिपोजिटरी करें और यहाँ पे दे देंगे इसका नेम हम सिंपली दे देंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी, एम्प्लॉय रिपोजिटरी। और इसको हम जिस पैकेज में रखेंगे उसका भी नाम हम सिंपली रिपोजिटरी रखते हैं। ओके, तो ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी हो गया। ओके, सिंपली इस पर हिट कर देते हैं और यहाँ से क्या काम करेगा, एक्सटेंड कर लेगा जेपी रिपोजिटरी को, यहां से हम दे देंगे जेपीए रिपोजिटरी और यहां से हम पास कर देंगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और यहां से हम पास कर देंगे लॉन्ग को। ठीक, ओके, इतना अपने को काम कर दिया। अब हम एक सर्विस क्लास को क्रिएट करेंगे, जहां पर क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिपोजिटरी को हम ऑटो वायर कर लेंगे। ओके, और यहां पर देखिए हम लॉन्ग क्यों दिए, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय क्लास है इसके पास आईडी टाइप क्या था, लॉन्ग, इसीलिए यहां पर हमने लॉन्ग डिफाइन कर दिया। ओके, और यहां से अगेन राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास को क्रिएट करेंगे और यहां से हम पास कर देंगे एम्प्लॉय सर्विस, और उसको जिस पैकेज में रखेंगे उसको हम रखेंगे सिंपली सर्विस पैकेज के अंदर। ओके, और यहां से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय सर्विस हो गया। इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए सर्विस मार्क करने के लिए अपने को यहां पर यूज करेंगे एनोटेशन सर्विस वाला, जो क्या आना चाहिए, इस ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट स्टीरियो टाइप से। ओके, देन यहां पर हम लिखेंगे प्राइवेट और यहां पर दे देंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी और यहां पर दे देंगे एम्प रेपो, इस पर्टिकुलर का हम यहां पर दे देंगे और उसको एज ए हम ऑटो वायर कर लेंगे। ऑटो वायर करने के बाद यहां पर हम वेट करेंगे कि पर्टिकुलर चीज हमारा ये ऑटो वायर हो जाए। ओके, इतना काम हमारा हो गया। देन यहाँ से हम एक मेथड को डिफाइन करेंगे, जिस मेथड की हेल्प से हम कैसे डाटाबेस को सेव कराएंगे, ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।